कुरान को किसी चीज को पसंद करने को तैयार नहीं। वैसे भी ये जला हुआ दुश्मन, इसे हमारी हर चीज कुड़ती है, जलती है। ऐसे हालात में होना तो ये चाहिए था कि नौजवान खिचड़ा कमेटी, नियाज कमेटी बनाने की बजाय अखलाके मुस्तफा कमेटी बनाते। तुम जितनी आदतों से छिड़ोगे, हम अपने नबी की उतनी ही गुलामी करके दिखाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक को हम ताबिंदा और रोशन करके दिखाएंगे। होना तो ये चाहिए था, अपने नबी से मोहब्बत का तकाजा ये है। उन खवातीन से भी मैं कहता हूँ जो बच्चियां आज कसरत से भटकती चली गई और गैरों के हत्ते चढ़ गई, एक दो नहीं सैकड़ों ऐसी बच्चियां हैं जो कॉलेज की नजर हो गई और वहां मजाजी इश्क को मोहब्बत में पागल हो गई। उन्हें वक्ती तौर पर कुछ नौजवानों के चेहरे बहुत खूबसूरत लगने लग जाते हैं। ये शैतान है, शैतान है। हदीस पाक में है, नज़रतुस्सहम मिन सहम शैतान, ये आंखों का जो एक बार मिलाप होता है शैतान के तीरों में से एक तीर है। औरतों को चाहिए था कि अपनी निगाहें नीची रखती, लेकिन तुम जिन नौजवानों का हाथ पकड़ करके ये समझती हो मेरी कौम छूटती है तो छूटने दो, माँ बाप का मुंह काला होता है तो काला होने दो, मेरी कौम मुझे ताने मारती है तो मारने दो, मगर मैं अपनी मोहब्बत के पीछे जाऊंगी। ये सारी बातें कहां से आ रही है? ये दुनिया हमें फिल्मों में दिखा रही है, ये सीरियल में दिखाया जा रहा है कि मोहब्बत का मतलब यह है कि सबसे लड़ाई ले लो, माँ से भी लड़ लो, बाप से भी लड़ लो, सारे माशरे से लड़ लो, लेकिन एक बेहयाई को तुम कर जाओ। ये दुनिया यही तो दिखा रही है और बच्चे हमारे यही समझते हैं कि हमको भी ऐसा ही करना है। इसको ये समझने एक जंग है, मोहब्बत की जंग लड़ रहे हैं। नादानो, ये मोहब्बत की जंग नहीं है, ये बेहयाई और नंगापन है। तुम्हें इतनी भी खबर नहीं जिस माँ ने अपने खून जैसे दूध को तुम्हारे हलक में 2 साल तक डाला और रात रात जाग करके तुम्हारी तरबियत करती रही। वो बाप जो पूरा दिन भर तुम्हारे लिए पसीने बहाता था और तुझे खबर भी नहीं है कितनी ईदें, कितनी ऐसे त्योहार आए जब वो अपनी खुशी छोड़कर तुम्हारे लिए लिबास लाता रहा, तुम्हारे लिए छोटे छोटे खिलौने देखता रहा। उस बाप की भी तुम्हें जरा बराबर खबर नहीं, उस माँ की भी नहीं। एक लड़की को मैंने देखा, उसका बाप हार्ट अटैक का मरीज था, हार्ट अटैक आ भी गया। जब वो बच्ची किसी और का दामन पकड़ कर भाग रही और पुलिस में आकर कहती है नहीं मुझे करना है तो इसी से करना है, मेरा बाप ढोंग कर रहा है, मेरा बाप ढोंग कर रहा है। एक लड़की वो कहती है मैंने समझाया कि बेटा अपने बाप की तो सुन ले, तेरा बाप तो अकलौती है, वो मर जाएगा। वो लड़की कहती है मर जा रहा है तो मरने दो, उनकी जिंदगी वैसी भी खत्म होने वाली, मुझे अपनी जवानी जीने दीजिए। अल्लाह की पनाह, मैं वहां से हट गया। एक और खातून है, वो कहती है मैंने पूछा क्या ऐसा नजर आ गया तुझे, साल 18 गुजर रहे हैं अभी तेरे उम्र के, इतनी जल्दी क्या अच्छा लग गया। कहता है इसने, कहती है मुझे इसने 5,000 का जोड़ा दिलाया, मेरे बाप ने कभी दिलाया नहीं था, तुझे पता नहीं पूरी जिंदगी उसने खून सींच सींच करके तुझे जवान किया, आज तेरी पेशानी पर तेरे बाप की कितनी उम्मीदें रखती है पता है। मुझे उन नौजवान लड़कियों पर तरस आता है, तुम सारे लोगों को ठुकरा करके जाती हो लेकिन क्या तुम ये समझती हो कि अल्लाह ताला की मदद तुम्हारे साथ आएगी, अल्लाह उसके रसूल तुमसे राजी होंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माँ बाप की तरफ दिखा करके कहा है मुसलमानों यही तुम्हारी जन्नत भी है, यही तुम्हारी दोजख भी, इनको राजी करो तो जन्नत, इनसे गद्दारी करोगे तो दोजख। कितने माँ और बाप बिलखते रह जाते हैं अपनी बेटियों के नाम पर। दिल्ली के एक साहब हैं, उन्होंने मुझे एक लिस्ट भेजी थी, कई वो लड़कियां हैं जो इन गैर मुस्लिमों के हत्थे चढ़ गई मोहब्बत में आकर। हुआ क्या जानते हैं? एक दो नहीं, मेरे पास उनका डेटा मौजूद है, ये गई अपने घरों से बगावत करके, लेकिन उस जालिम नौजवान ने चंद रात उसके साथ गुजार कर उसे बाहर की ताकतों के हवाले कर दिया, बेच दिया। वो आज दुबई में जिस्म फरोशी कर रहे, जिस्म फरोशी कर रहे, वो छूट भी नहीं सकती। उन लड़कियों ने जो अपने अहवाल भेजे हैं, खून के आंसू निकलते हैं, वो रो रही है और कहती है अब हमारे पास कोई ठिकाना ही नहीं, उसने भी हमें ठुकरा दिया और हम तो अपने माँ बाप को वैसे ही छोड़ करके आए थे, जाए तो कहां जाए। एक दो घर वालों को हमारे कुछ नौजवानों ने समझाया बुझाया था कि बेटी है तुम्हारी ले लो उसको,
उस जालिम ने छोड़ दिया। लेकिन मेरे अजीजों, इन बच्चियों को आखिर कौन समझाए? इन्हें ऐसा लगता है कि बस सारी जिंदगी रात की लज्जत है। जानवर मत बनो, पूरी जिंदगी इस हवस के लिए, शहवत के लिए ना जियो। सितारों से आगे जहां और भी है। तुम्हें क्या खबर है कि किसी का बिस्तर गर्म कर लेना, इसको मोहब्बत कहते हैं, इसको इश्क कहते हैं। ये बेहयाई को किसने इश्क का नाम दे दिया? इस अखलाक सोज हरकत को किसने मोहब्बत का नाम दे दिया? एक नौजवान मुंह लटकाए हुए आया था, कह रहा था महबूबा छूट गई, चार साल से उसके साथ था, छूट गई, अब दूसरे के साथ चली गई, कुछ वजीफा दे दे, दिल बेकरार है, अब क्या करेगा? पागल मजनू शेर व शायरी करते घूमता है। मैंने यही कहा था, बेटा एक ही दिल था, देना था तो ऐसी लैला को क्यों दिया जो रोज शोहर बदलती? देना था इस दिल को तो दरबारे मुस्तफा ने दिया होता, उस नबी पाक के कदमों में रखा होता। और मेरे मुस्तफा करीम की आदत करीमा है, एक बार किसी ने अगर अपना हाथ उनके हाथ में दे दिया तो मौत तक वो तुम्हें तनहा नहीं छोड़ते, मौत तक तनहा नहीं छोड़ते। जिंदगी तो जिंदगी है, कब्र में जब तुम पहुंचोगे मुनकर नकीर बाद में आएंगे, ताजदार मदीना पहले तशरीफ लाते, हश्र में भी वो तनहा नहीं छोड़ेंगे। जहां तुम प्यास की शिद्दत से बिलबिला रहे हो, मेरे मुस्तफा हौज़े कौसर का जाम भर कर तुम्हें पिला रहे हो। जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारी दस्तगीरी और हमारी मदद के लिए हमा वक्त है, उस नबी के फिदाई बनो, दुनियावी मजाजी इश्क व मोहब्बत के पैरोकार बनकर अपनी जिंदगियों को तबाह व बर्बाद मत करो। इकबाल की इस बात पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। कौन कहता है कि उनके पीछे चलने से इज्जत नहीं होती? मेरे अजीजों, मुझ जैसे एक हकीर आदमी को देखो, आज जो दुनिया हमारे ऊपर टूट पड़ती है, या आप हमें छूने के लिए, देखने के लिए आते हैं, तो इसलिए नहीं आते कि हम कोई बड़े जमींदार हैं या कोई नेताजी हैं या कोई बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता है, नहीं, सबको पता है सिर्फ और सिर्फ ये इज्जत इसीलिए है कि नबी पाक की गुलामी में जी रहा है। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। ऐ नौजवानों, तुम सबके लिए मेरा पैगाम एक ही है, बिक जाइए बेदाम ही बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। नारे तकबीर अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, देखो कौन आया, शेर का शेर आया, देखो कौन आया, शेर का शेर आया, देखो कौन आया, शेरों का शेर आया, नदरी साहिब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाह, नारे रिसालत। मेरी बातें हो सकता है चंद लोगों को कड़वी लगती हैं, मेरे अजीजों बुखार की दवा कड़वी होती है, निकल जाओगे तो जल्दी शिफाया भी है। हाँ, मेरी बातों का बुरा ना मानो, लेकिन अगर मैंने कहीं आपके ऊपर सख्त जुमले रखे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये मेरा दर्द है। तुम मेरे मुस्तफा के गुलाम हो, अगर मैं तुम्हें ना बोलूं तो किसको बोलूं? अगर तुम्हारे अंदर अखलाक बुरे आते हैं तो तकलीफ सिर्फ हमें नहीं, रसूलुल्लाह को होती है। कब तक मेरे नबी पाक को तकलीफ पहुंचाओगे? अल्लाह के नबी तो ये फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है, मेरे आका फरमाते हैं। और जब तुम किसी शराब के अड्डे पर बैठे हो, जब तुम्हारे हाथों में ताश के पत्ते आए, जब तुम्हारी जुबान नशा कर रही हो, तो मेरे मुस्तफा तुम्हें देख कर क्या महसूस कर रहे हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तुम्हारी तरफ नजर फरमाएंगे तो उन पर क्या गुजरेगी? कम से कम मेरे नबी का ख्याल करो। हुजूर पाक के लिए मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, बाकी मेरा क्या रिश्ता है आपसे? मैं कौन होता हूँ तुम्हें डांटने वाला? मैं कौन होता हूँ तुम्हारे दरमियान चिल्लाने वाला? सिर्फ इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हम राहत और सुकून की खबरें तो पहुंचा सके। हुजूर ने फरमाया, हर जुमेरात को मेरी पूरी उम्मत के अमाल फरिश्ते मेरे पास पेश करते हैं, मैं सबके अमाल देखता हूँ, हफ्ता भर तुमने क्या किया हुजूर सुनते हैं, फरिश्ते सारी बातें ले जाकर पहुंचाते हैं हर हफ्ते। कभी एहसास हुआ कि हर जुमेरात को हमारे कौन से अमाल हुजूर के पास गए होंगे?
जब फरिश्ते ये कह रहे होंगे कि आका आपका फला उम्मती दिन रात लव में खो रहा था, खेल कूद में गुजार रहा था, लड़कियों के बीच अय्याशियां कर रहा था, तो हुजूर पाक पर क्या बीतती होगी। हमारे बाप के पास अगर कोई आकर के हमारी शिकायत करे तो हम उसे भी पसंद नहीं करते, हम कहते अब्बा को बताना मत। लेकिन नबी अब्बास को जब फरिश्ते बता रहे होंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर क्या गुजरेगी। इसलिए मेरे अजीजों ये बातें जो मैंने की हैं, इंशाअल्लाह अजीज आज हमारा जलसा इसी पर कामयाब होगा। हम जब जान देने की बात करते हैं नबी पाक से, नबी पाक के लिए, तो क्या मेरे मुस्तफा के लिए। मैं आपसे पूछता हूँ, जब हुजूर की इज्जत की बात आएगी अपनी गर्दन लेकर तैयार है? सबका जज्बा ये है, हमारा बच्चा जवान बूढ़ा यही कहता है या रसूल अल्लाह ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नामों पे सबको वारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, सबका ये जज्बा मुझे पता है। लेकिन ए मेरे अजीजों, मैं ना आज तुम्हारी जान मांगने आया, ना मैं तुम्हारी गर्दन मांगने आया, ना तुम्हारा खून मांगने आया, बस इतनी भीख जरूर मांगने आया हूँ जो कौम अपने नबी के लिए गर्दन दे सकती है, चंद अय्याशियों और गुनाहों को मुस्तफा के नाम पे छोड़ क्यों नहीं सकती। छोड़ेंगे इंशाअल्लाह नजी, आज से ये अहद करके उठेंगे कि मैं अब अल्लाह ने जो कान दिए सुनूंगा तो हुजूर की नातें सुनूंगा, जुबान से मैं कभी गलीज कलमात गाली गलोच और गाने नहीं गाऊंगा, अगर मेरी जुबान खुलेगी तो इस बात के साथ मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते, जब भी जुबान बोलेगी तो नबी नबी बोलेगी, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। चंद नाते याद कर लो ताकि चलते फिरते भी तुम्हारी जुबान अगर किसी को पुकारे तो मेरे मुस्तफा को पुकारे। तवज्जो चाहता हूँ, ये काम करेंगे आज से इंशाल्लाह। अब मेरी गुफ्तगू यहाँ पर खत्म हो गई और मैं नाउम्मीद होकर के नहीं जाता, नाउम्मीद होकर नहीं जाता, मुझे यकीन है मैंने किसी ऐसे वैसे का नहीं, तुम्हारे खून से भी बढ़कर, तुम्हारी जान से भी बढ़कर जिसका रिश्ता है उस नबी का वास्ता मैंने तुम्हें दिया है, उस रसूल पाक का वास्ता मैंने तुम्हें दिया है। और मुझे पता है कि नौजवान हमारे गुनाह तो कर सकते हैं लेकिन अपने नबी को धोखा कभी नहीं दे सकते, अपने नबी को धोखा नहीं दे सकते, बेवफाई हम हुजूर के साथ कभी नहीं करेंगे। अब आखिर में मैं चंद बातें आपसे कहता हूं, ठीक है ये हमारे आमाल थे, इसकी इस्लाह जरूरी थी इसलिए मुझे कहना पड़ा, लेकिन फिर भी आए मुसलमानों, अगर तुम्हारे आमाल जैसे भी हो जाए, खौफ और डर अपने सीने में मत लाना। हिंदुस्तान में रह रहे हो ना, आप में से कोई पाकिस्तान से आया है? जी नहीं। पाकिस्तान वाला छुप छुप करके फिर मुझे कोई पकड़ेगा? अरे जिस जमीन के हम बरसों से वारिस हैं, ये जमीन आज के 5 साल नशेड़ी लोगों की नहीं है, ये हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की जमीन है। तो भीख मांगी हुई जमीन नहीं है, नहीं हम चोरी चपाटी करते हुए डकैती डालते हुए यहाँ आकर के कब्जा किए हुए, तो डर किस बात का, खौफ किस बात का, अपनी जमीन पर रह रहे हैं तो आज के बाद खौफ से नहीं जिएंगे इंशाअल्लाह, खौफ से नहीं जिएंगे। अगर ये जालिम कुत्ते कहीं